गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवनीश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। फ्रेंड्स, हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कर रहे थे, जिसमें से केमिकल काइनेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग शुरू करेंगे फोटो केमिस्ट्री या प्रकाश रसायनिकी। तो जैसा कि नाम बता रहा है कि फोटो केमिस्ट्री, इसमें इन्वॉल्व है फोटो। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अगर ब्रॉडली अगर हम माने केमिकल रिएक्शन होती क्या है पहले, तो केमिकल रिएक्शन है कि पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और कुछ नए बॉन्ड बन रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूँ तो दो तरह की केमिकल रिएक्शन हम माने जो डिपेंड कर रही हैं कि उनके प्रोसेस में कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, कौन सी ऊष्मा इन्वॉल्व है। तो पहली तो हम माने एक है थर्मल रिएक्शंस, ठीक है, या ऊष्मीय जो होती हैं, तापीय रिएक्शन जिन्हें हम कहते हैं। ऐसी रिएक्शन अंधेरे में भी हो सकती हैं, और इसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हीट से मिलता है ना, हीट से वो रिएक्शन होती हैं। दूसरी तरह की रिएक्शंस हैं जो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे, वो है प्रकाश रसायनिक रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन और जो थर्मल रिएक्शन है उनमें डिफरेंस यही है कि जो थर्मल रिएक्शन है वो टेम्परेचर से होती हैं, ताप से होती हैं, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो रेडिएशन से होती हैं। रेडिएशन माने हम सब जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। तो जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या आवृत्ति है वो एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो E इज इक्वल टू एच न्यू, ये हम लोग सब पढ़ते हुए आए हैं। तो क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी, इसके लिए उसके पास ऊर्जा है, ये ऊर्जा जो होती है, हमें करना क्या केमिकल रिएक्शन में, बॉन्ड तोड़ने हैं तभी नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी है वो हमें मिलती है फोटोन से, इन केस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आज से हम ये पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, आज हम फोटोकेमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो नाम मैंने आपको बता दिया, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री। तो नाम से जैसे ही बताया कि मैंने, प्रकाश और रसायन दो चीजों से ये मिलके बना है, ठीक है। फोटो ये बना है फोटोन से, केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं, फोटोन केमिस्ट्री भी कह लो उसको, फोटो केमिस्ट्री हो गई। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के अवशोषण से अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और जो प्रकाश जो हम इसमें काम में लेते हैं वो मेनली होता है 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक। और आप लोगों को याद होगा ये रेंज कौन सी होती है, ये रेंज आती है IRN यूवी विजिबल की रेंज। तो इंफ्रारेड और जो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेंज है उसकी जो रेडिएशन है उनसे होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनका अध्ययन जिस शाखा में किया जाए उसको हम कहते हैं फोटोकेमिस्ट्री। ये मैंने थोड़ा सा आपको इनिशियली बताया था, E इज इक्वल टू एच न्यू। यहां पर न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति, ठीक है। तो जो आवृत्ति है वो होती है किसकी, तरंग की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं उसकी जो आवृत्ति होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी ऊर्जा के, एंड अल्टीमेटली हम इसको करते हैं इज इक्वल टू एच न्यू। यहाँ पर एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो क्योंकि उसके बाद ऊर्जा है, ये ऊर्जा ही काम आती है किसके, उसके जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए। तो ये एच न्यू एक फोटोन है, ये एक रिएक्टेंट है हमारा। तो जब इस प्रकाश की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है तो सबसे पहले जो बनता है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो सबसे पहले वो जो अभिकारक होता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। उसको हम डिनोट करते हैं एक स्टार से, है ना, ए के ऊपर स्टार लगा दिया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। फिर अल्टीमेटली देता है ये प्रोडक्ट। तो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का प्रोसेस यही होता है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे वो कितनी भी सिंपल रिएक्शन हो, कि उसमें
अभिकारक है, उस पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटोन डाला जाएगा, उस फोटोन को डालने से पहले वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा, देन वो एक्साइटेड स्टेट से प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। इसके साथ में और भी कई चीजें होती है जो नीचे हम आते आते पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, अभिक्रिया, अभिक्रिया दो में डिवाइड किया हुआ, एक ऊष्मा अभिक्रिया या थर्मल रिएक्शन, दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जो हम आज पढ़ेंगे। तो इसकी डिफरेंट डेफिनेशन है जो मैंने ऊपर भी आपको थोड़ा बताया कि रसायन में अणु द्वारा उचित विकिरण के अवशोषण से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये उचित विकिरण क्या चीज होती है? उचित विकिरण ये चीज है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड अगर ये ब्रेक करना है, हमें इसको तोड़ना है, तो जितनी इस बॉन्ड की ऊर्जा है इसके बराबर हमें उसकी ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना। तो रेडिएशन की भी ऊर्जा जैसे हमने देखा E is equal to hν से, तो जब E is equal to hν से हम देख रहे हैं ऊर्जा, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक करना है इसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो ये ऊर्जा इसको जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। और ऊर्जा रिलेटेड है किससे? फ्रीक्वेंसी से। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी क्वालिटी है? उस विकिरण की या उस तरंग की, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हमें उस पर्टिकुलर रिएक्शन में लेनी पड़ेगी। या इसको मैं उल्टी तरीके से कहूं तो ये सबसे बड़ा गुण जो होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन का वो इसकी स्पेसिफिसिटी ही होती है। ये मैंने शायद ऊपर लिखा भी है, हाँ, इनकी चयनात्मकता जो इसकी सेलेक्टिविटी है ना, स्पेसिफिसिटी या इसकी जो चयनात्मकता है ये बहुत ज्यादा होती है। ये ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि अगर ये बॉन्ड तोड़ना है जैसे हमने बताया कि जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही रेडिएशन का हमें विकिरण लेना पड़ेगा, या फिर इसको मैं उल्टा बोलूं तो अगर एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का हम रेडिएशन डालेंगे तो वही बॉन्ड टूटेंगे जिसकी एनर्जी इस फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी चेंज करके या उस रेडिएशन का जो टाइप है वो बदल के हम ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन से बॉन्ड को जाके ब्रेक करे और कौन से को ये अनअल्टर्ड छोड़ दे। तो इसलिए बहुत ही ये सेलेक्टिव होती है जो इसका सबसे बड़ा गुण है। ये जो सेलेक्टिविटी है हमें जो थर्मल रिएक्शंस होती है हमें इतनी हाई क्वालिटी की सेलेक्टिविटी नहीं मिलती है। ओके, सेकंड डेफिनेशन अगर देखें तो हम ये जानते हैं कि अणु में कई तरह के वाइब्रेशन, कई तरह के मोशंस होते हैं। कैसे? एक होता है ट्रांसलेशन मोशन की, सपोज ये अणु है हमारा, ये यहाँ से यहाँ गया, कभी यहाँ से यहाँ गया। अणु स्थिर तो होते नहीं है, वो तो परंतु आपके होते हैं, तो वाइब्रेट इधर से उधर ये जाता रहता है अणु, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन या स्थानांतरण मोशन। दूसरा हो गया इसके बाद में घूर्णन, जो अणु होता है, सपोज एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे घूमता है, घूमता रहता है, इसको हम कहते हैं घूर्णन। फिर आता है कंपन, मॉलिक्यूल जो है दो एटम से मिलके बना है, बॉन्ड है बीच में, तो बॉन्ड क्या है ऐसे ऐसे कंपन करेगा, ठीक है। तीसरा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, तो ये सारे मिलके ऊर्जा स्तर बनाते हैं जो कि क्वांटाइज होते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ेंगे, ये सब क्वांटाइज होते हैं। तो अणु जो होता है वो प्रकाश के फोटोन का अवशोषण कर लेता है, जो उस पर इंसिडेंट हमने डाला प्रकाश। तो अणु में कई सारे ऊर्जा स्तर हैं, घूर्णन, कंपन, इलेक्ट्रॉनिक स्तर, कई सारे ऊर्जा स्तर हैं, वो सारे क्वांटाइज हैं। तो अणु क्या करता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाला तो उसको वो एब्सॉर्ब करेगा और ये जो ऊर्जा स्तर बने हुए, चाहे वो घूर्णन के हों, चाहे वो कंपन के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, उनमें वो ट्रांजिशन कर जाता है और अभिक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। ये आपने वैसे पढ़ा है पहली क्लास में, अगर आपको याद हो तो लाइमन, बामर, पाश्चर, ब्रैकेट फंड जो लाइनें पढ़ी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो वो लाइनें जो होती हैं वो क्या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर ही होते हैं। के एलिमेंट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं, वहीं तो इलेक्ट्रॉन जंप करता है और वापस आता है, एक लाइन देता है। तो अगर वो लाइन नहीं दे, ठीक है, और वो रिएक्शन में उत्तेजित स्तर में पहुंच के और अभिक्रिया संपन्न हो जाए, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों तो स्पेक्ट्रम देता है और क्यों वो रिएक्शन देता है, दोनों में फर्क क्या होता है। ये कुछ एक टेबुलेशन फॉर्म में दिया हुआ है हमने कि ऊष्मा ऊर्जा अभिक्रिया और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों का हम पैरेलल लेके चले, दोनों में फर्क क्या होता है, वो फर्क समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर कोई नया मेथड यूज कर रहे हैं तो उस
में कुछ ऐसा होना चाहिए जो पहले मेथड में नहीं था, तभी वो इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ वो है, सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता, चलो पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले तो ये कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो प्रकाश की अनुपस्थिति में संपन्न होती हैं, उपस्थिति में भी हो सकती हैं पर अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकती है, ये है ना। मुख्य प्रभावी कारक यहाँ पर ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक, ठीक है, इन तीनों से प्रभावित होती है। इस केस में टक्कर बहुत ही जरूरी होती है, जो हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है। पूरे काइनेटिक्स के दौरान मैंने बार बार ये कहा है कि कोलिजन इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द एनी केमिकल रिएक्शन, की टक्कर होना आवश्यक है। कि ताप से प्रभावित होती है अपन बात कर चुके हैं, इनकी जो फ्री रेडिकल है उसमें कमी आती है जब रिएक्शन होती है, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस होती है। जबकि इसकी अगर बात करें तो मैं बता चुका हूँ 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके अवशोषण से ये अभिक्रियाएं होती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश में होती हैं, अंधेरे में नहीं होती हैं। जैसे एग्जांपल है 2HPr का डिसोसिएशन हो रहा है, H2 और Br2 बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिक एक फोटोन HG। ऐसे ये रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जो जानते हो फोटोसिंथेसिस की। हाँ, अब क्या फर्क हो गया, इसमें टक्कर नहीं होती है, टेम्परेचर से ये स्वतंत्र हैं और ये सिर्फ प्रकाश में ही होती हैं। उत्प्रेरक से ये अप्रभावित होती हैं, जो कि प्रकाश के तीनों चीजें इसके इनवर्स थी, है ना। हाँ, डेल्टा जी जैसे हम बात कर चुके, डेल्टा जी यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव होता है तो अभिक्रिया सतह संपन्न होती है, जबकि डेल्टा जी यहाँ ऋणात्मक नहीं होता है अतः अभिक्रिया सतह संपन्न नहीं होती है। थर्मल रिएक्शन, उनकी क्रियाविधि सिंपल है, ठीक है, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उनकी जो क्रियाविधि होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। ये बता चुका हूँ आपको, थर्मल रिएक्शन सामान्यतः चयनित नहीं होती, बहुत ही कम केसेस होते हैं जहाँ पर वो सेलेक्टिव होती है, जबकि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें अगर हम विशेष फ्रिक्वेंसी का विकिरण लें तो उससे विशेष बंध या समूह एक्साइटेड हो सकता है। एक्साइटेशन इज कंपल्सरी थिंग फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये उत्प्रेरक से प्रभावित होती है। उत्प्रेरक क्या होता है, हम जानते हैं कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर रिएक्शन की स्पीड को वो बढ़ा देता है, पर यहाँ पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ पर एक होते हैं फोटोकेमिकल सेंसिटाइजर या प्रकाश संवेदक। प्रकाश संवेदक क्या होते हैं कि जैसे कोई सपोज आगे वैसे पढ़ेंगे इसको, शॉर्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल ए है जो कि प्रकाश सुराई नहीं है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं देता, डायरेक्टली फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो क्या करते हैं यहाँ पर एक प्रकाश संवेदक लेते हैं, सपोज को हमने जेड से बताया है, तो वो जेड पहले फ्रिक्वेंसी या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगा, और ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये अपनी एनर्जी ए को दे देगा और इसको एक्साइट कर देगा और फिर ये दे देगा प्रोडक्ट, ये कहलाता है प्रकाश संवेदक, ठीक है। तो उत्प्रेरक से उत्प्रेरक का कोई और रोल नहीं है लेकिन प्रकाश संवेदक का यहाँ रोल होता है। ओके, थर्मल जो रिएक्शन है उनमें एनर्जी हमें लगभग चाहिए 10^4 से लेकर 10^5 किलो कैलोरी पर मोल तक की, जबकि यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 23 to 230 किलो कैलोरी पर मोल, यानी हमने बताया 200 से 800 nm जो फ्रिक्वेंसी है उसकी एनर्जी इतनी निकल के आती है। अगर हम निकालेंगे ए जी रोशनी से तो इतनी कम एनर्जी पे रिएक्शन हो जाती है, इसीलिए ये थर्मल रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी सेवर है। ओके, एक ये थोड़ा याद रखने की चीज है कि एक्सरे और गामा किरण, यहाँ हमने यूज लिया है यूवी विजिबल एंड IR, जबकि एक्सरे और गामा किरणों से रिएक्शन संपन्न होती है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं कहलाती, उनको रेडिएशन केमिकल रिएक्शन में आते हैं, वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है वो उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करे, जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वही रिएक्शन करती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है, उसके क्या क्या गुण है, इसके कुछ नियम है, वो नियम हम ये करते पढ़ते हैं। जब किसी द्रव्य पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो हम जानते हैं क्या होता है, सपोज कोई मैटर है इस पे प्रकाश की किरण आई तो क्या हो सकता है, तीन चीजें मोटी मोटी हो सकती है यहाँ पर। एक तो ये कि ये जो
प्रकाश की किरण आई वो अंदर आए और एब्सॉर्ब हो जाए। दूसरा ये सकता है कि ये किरण यहाँ से ट्रांसमिट हो जाए कुछ पार्ट इसका। तीसरा ये हो सकता है कि ये वापस आके रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ परावर्तित हो जाएगी, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी। यही प्रकाशीय नियति है किसी भी जो जो मैटर है उसके ऊपर जब उसको डाला जाता है ना। कुछ टर्म्स है, प्रकाश की तीव्रता, ये बार बार आएगा उसको हम जान लेते हैं क्या होता है। तो प्रकाश की तीव्रता की डेफिनेशन है द्रव्य की सतह पर प्रति सेकेंड प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने फोटोन आपतित होते हैं उसे प्रकाश की तीव्रता कहा जाता है। ये कंफ्यूज करता था, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन पर यूनिट एरिया ऑफ द मैटर इन पर यूनिट टाइम, दो चीज याद रखो, पर सेकेंड और यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रति सेकेंड उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जितने फोटोन गिरते हैं वो प्रकाश की तीव्रता कहलाती है या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कहलाती है। ओके, तो यहां हम माना कि सपोज ये कोई एब्जॉर्बिंग मीडियम है हमारा, सॉरी मैटर है हमारा, है उस पर एक लाइट आपती है। तो जैसे मैंने बताया कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, उसको शो किया हमने आई आर से, सपोज उसकी इंटेंसिटी जो तीव्रता है रिफ्लेक्टेड लाइट की वो आई आर है। कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, उसको हमने शो किया है आई ए से, सपोज ये हो गया आई आर। और कुछ लाइट आगे निकल जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, इससे भी बाहर निकल जाएगी, वो यहाँ निकल गई, इसको हमने बताया है आई ट्रांसमिटेड। तो जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ द लाइट होगी जबकि जो प्रकाश है वो एक वर्णी हो, मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक है, और माध्यम है वो समांगी हो। ये टर्म थोड़ा ध्यान रखने की चीज है। एक वर्णी प्रकाश क्या होता है? एक वर्णी प्रकाश वो जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का लैम्डा हो, एक ही प्रकार की तरंग दैर्ध्य हो, बहुत सारा मिक्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो एक बड़ा लार्ज स्पेक्ट्रम बनाता है जो कि लगभग रेडियो फ्रिक्वेंसी से शुरू होता है, उसके बाद में माइक्रोवेव है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है, आई आर है, यूवी विजिबल है, कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, ये सारा एक बड़ा रेंज होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब की जो रेडिएशन है वही चाहिए, तभी ये सेलेक्टिव होगा, तभी ये स्पेसिफिक होगा और तभी ये कम एनर्जी में होगा। तो वो कहलाती है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह की वेवलेंथ हो, ठीक है। और समांगी माध्यम क्या होता है? जो माध्यम जिसमें कोगुलेशन नहीं हो, जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें कि कोई होमोजीनियस हो, वो माध्यम समांगी माध्यम कहलाता है। तो जब एक वर्णी प्रकाश एक समांगी माध्यम पर कहलाता है, तो जो आपतित किरण है, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी तीव्रता को अगर हमने आई जीरो से बताया, तीव्रता के उसकी मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया है, तो वो बराबर होगी आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी। आई टी ट्रांसमिटेड, ये एब्जॉर्ब और ये रिफ्लेक्टेड, एक निकल गया, एक रह गया और एक वापिस आ गया। इन तीनों को मिलाकर देखें तो वो उसकी इंटेंसिटी होगी वो इंसिडेंट लाइट की, ठीक है। तो प्रकाश का जो अवशोषण है उसके संदर्भ में दो नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो ट्वेल्थ में आप लोगों ने शायद पढ़े होंगे। एक नियम है लैम्बर्ट का नियम, एक नियम है बियर का नियम, और दोनों को कंबाइंडिंग नियम कहते हैं, लैम्बर्ट बियर। ठीक है, तो ये नियम किसके बारे में? ये नियम है प्रकाश द्वारा जो लाइट प्रकाश पर डाली जा रही है उसमें क्या क्या नियति होती है उसके बारे में ये नियम है। तो ये पढ़ें, जब समांगी माध्यम अब तुम जानते हो होमोजेनियस मीडियम, एक वर्णी विकिरण ये अपन जानते हैं क्या होता है, ठीक है। तो जब भी किसी समांगी माध्यम में कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन डाली जाती है तो उसका कुछ भाग अवशोषित होगा, ये निश्चित है ना। जो भाग अवशोषित हो गया इसका मतलब क्या होगा कि जो इंटेंसिटी उस पर डाली गई थी उस मैटर पे उतनी इंटेंसिटी बाहर नहीं निकलेगी जो बाहर निकलने वाली, तो उसकी तीव्रता कुछ ना कुछ अंदर कम हो गई है ना। तो ये कमी जो होती है इस इंसिडेंट रेडिएशन या आपतित विकिरण और जो निकलने वाली बाहर है उसके उसमें जो कमी हुई है वो कमी किस किस चीज पर डिपेंड करेगी? सबसे पहला विकिरण की प्रकृति, वो कौन सी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। दूसरा उस माध्यम की प्रकृति कि वो माध्यम कैसा है, डेंस है ना, किस तरह का माध्यम है वो। तीसरी चीज वो प्रकाश का जो पथ लिया है, उसकी जो सेल लिया है उसकी लंबाई क्या है, और चौथा
आपतित विकिरण की तीव्रता। तो इन चीजों पर वो जो आपतित प्रकाश है उसकी तीव्रता में होने वाली कमी निर्भर करती है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के कि एक समांगी माध्यम है जिस पर कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम डाल रहे हैं, इन सब को देख करके लैम्बर्ट और बियर ने एक नियम दिया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैम्बर्ट का नियम जो कि 1716 में दिया था। फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे लैम्बर्ट, उन्होंने नियम दिया था। हाँ, उनके अनुसार डीआई अपॉन डीएक्स, ये सपोज वही एक समांगी माध्यम है जिसमें कि आई जीरो आपतित किरण की या इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी है उस लाइट की, आई टी जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी हो गई, और आई आर जो रिफ्लेक्टेड या पारगमित लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है परावर्तित सॉरी उसकी इंटेंसिटी हो गई। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो इस जो आपतित विकिरण है इसकी इंटेंसिटी में इस डी एक्स मोटाई में के जो छोटी सी एक मोटाई है इस माध्यम की उसमें होने वाली जो कमी है वो उसकी जो आपतित विकिरण है उसकी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कंडीशन क्या है, प्रकाश एकवर्णी है, माध्यम समांगी है। ठीक है, तो अगर प्रकाश एकवर्णी है माध्यम समांगी है तो प्रकाश पथ लंबाई के साथ तीव्रता में कमी की दर आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। तो जो आपतित किरण है इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज सपोज आई जीरो जो डिनोट किया था या आई बता रहे हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या चीज, समांगी माध्यम में जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला जाता है तो पथ की जो लंबाई है उसके साथ उसकी तीव्रता में जो कमी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसको प्रोपोर्शनलिटी के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया है दैट इज के, यहाँ पर आई हो गया प्रकाश, आपको प्रकाश है उस किरण की तीव्रता हो गई, डीएक्स क्या है उस मीडियम की अनंत सूक्ष्म इनफाइनाइटेसिमल जो मोटाई है उसकी है ना वो हो गई, डीआई उसकी तीव्रता में होने वाली बहुत अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन, और जो के है वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और अवशोषण स्थिरांक जो कि अवशोषक पदार्थ पर निर्भर है ना। ये समझ में आ गई होगी, डीआई बहुत ही छोटी कमी है उसकी इंटेंसिटी होने वाली, डीएक्स माध्यम की बहुत ही छोटी मोटाई है, के कांस्टेंट हो गया अवशोषण स्थिरांक, आई आपतित किरण की तीव्रता होगी। तो ये था लैम्बर्ट का नियम। तो इस लैम्बर्ट के नियम में अगर हम देखें कि जब x बराबर जीरो है मतलब जब मीडियम में वो प्रवेश की ही नहीं है बिल्कुल वहां सिरे पे है सपोज, उस सफर पर आई इज आई जीरो जिससे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट रेडिएशन है आपतित विकिरण है उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई जीरो है सपोज, और एक्स इज इक्वल टू एक्स पर किसी एक्स पर वो आई इज इक्वल टू आई टी हो जाएगी जब वो निकल रही है वहां से। तो अगर इसको हम समाकलित करें ये हो जाएगा माइनस, माइनस इसलिए कमी हो रही है इसमें, आई इज इक्वल टू आई जीरो से आई जीरो आई टी तक हमने इसको समाकलित कर लिया है, और यहाँ पर जीरो से एक्स तक था पूरा इसके अंदर जो सेल था हमारा जहां से कि वो निकल रहा था वो जीरो से एक्स पे पूरा इसमें कवर हो गया है ना, ये आ गया दैट इज एल एन आई जीरो अपन आई टी इज इक्वल टू के एक्स, इसको समाकलित किया हमने फिर हो जाएगा आई जीरो अपन आई टी इज इक्वल टू ई के एक्स, और आई जीरो इज इक्वल टू आई टी ई की एक्स e की पावर के एक्स। तो ये जो आया है ये हमारा हो गया इसमें ये लैम्बर्ट नियम आ गया हमारा, ये लैम्बर्ट नियम का ये हमारा आ गया है लैम्बर्ट लॉ। ठीक, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 इसको अगर सिंपलीफाई कर तो एल एन आई जीरो अपॉन आई टी दैट इज इक्वल टू के एक्स, ये हमारा इक्वेशन 5 था। यहाँ एल एन को हमने जो नेचुरल बेस लॉग था उसको लॉग 10 में चेंज कर दिया 2.303 लॉग 10 लॉग 10 को मिस हो गया इसका, आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के एक्स दैट इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू के अपॉन 2.303 एक्स, एक्स क्या है हम यहाँ पर जानते ही हैं, एंड लॉग आई जीरो अपन आई टी इज इक्वल टू के डैश एक्स, जहाँ पर के हमने किसकी जगह रखा है के अपॉन 2.303 की जगह,
यहाँ पर जो के है वो कहलाता है एक्सटेंशन कांस्टेंट और विलोप गुणांक कहलाता है। तो लॉग आई जीरो अपन आई टी दैट इज इक्वल टू के डैश एक्स, और के यहाँ पर विलोपन गुणांक है, और इसको हम मानते हैं डी जिसे कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक घनत्व, या फिर ए जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्बेंस या अवशोषणांक। तो इसके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ हमने इसको मान लिया है ए सपोज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये क्या है एब्जॉर्बेंस है। तो यही लैम्बर्ट का नियम है जिसके अनुसार जो भी इंसिडेंट रेडिएशन है उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है दैट इज एक्स वो उसके अवशोषणांक के या एब्जॉर्बेंस के समानुपाती होती है। ये लैम्बर्ट का नियम था। नेक्स्ट जो नियम है वो बियर का नियम है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। तो आज हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में कि फोटोकेमिकल रिएक्शन होती क्या है, थर्मल रिएक्शन से उसका कंपैरिजन कि दोनों में क्या अंतर है। अंतर सबसे बड़ा यही है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो डार्क में नहीं हो सकती, उसके लिए लाइट चाहिए। दूसरी बात वो बहुत ही सेलेक्टिव होती है, उनको चयनात्मकता उसमें बहुत ही बड़ा गुण है उसका, बहुत ही कम ऊर्जा पे संपन्न हो जाती है, उत्प्रेरक की जरूरत नहीं है, उत्प्रेरक से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप सांद्रता से वो अप्रभावित है, जबकि इसका उल्टा होता है थर्मल रिएक्शन से। उसके बाद हमने प्रकाश की जो अवशोषण है उसको समझा कि उसके लिए प्रकाश जो अवशोषित होता है या किसी इंसिडेंट होता है किसी माध्यम पे तो उसका क्या क्या उसके साथ हो सकता है, उसके कुछ नियम है। इसमें से पहला नियम हमने पढ़ा वो है लैम्बर्ट का नियम, और वो क्या कहता है आज में हम पढ़ लेते हैं कि जिस जो किरण पुंज है या जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो जितना डिस्टेंस उस सेल में या उस माध्यम में चलेगा वो जो तय की गई उसकी दूरी है वो उसके अवशोषणांक या एब्जॉर्बेंस के समानुपाती होती है। तो ये लैम्बर्ट का नियम था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बियर का नियम, इनका कंबाइंडिंग जो लैम्बर्ट बियर नियम कहलाता है उसको देखेंगे, इसकी लिमिटेशंस देखेंगे और आगे देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।